गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का ये सेशन डेडिकेट है उन बच्चों के लिए जो सेकंड ग्रेड की इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहूँ सेकंड ग्रेड में जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट का चयन किया है उन बच्चों के। मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बुक लिस्ट आप पूरी बना के बताइए हमें कि कौन सी बुक में क्या है और कहाँ से हमें क्या पढ़ना है। तो मैं एक एक बुक के बारे में चर्चा करूँगा, हम कौन कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, और मैं हमेशा मेरी क्लास में आपको रेफरेंस बुक बताते रहता हूँ कि मैं ये चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, क्योंकि सारे बुक्स बताना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, फिर भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगर आपके पास समय है तो ही आप आगे कंटिन्यू करें, अगर आप बिजी हैं इस वीडियो के लिए पूरा समय नहीं है तो इसे यहीं पर आप एस्केप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम बड़े अच्छे से बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या करना है, और जो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमारा जो सिलेबस है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, हमारा जो सिलेबस है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट है? तो हमारे पहला जो पार्ट है वो है ग्रामर, या फिर आप इसे कह सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है इसे आप कह देते हैं ग्रेजुएशन लेवल, और जो तीसरा सेक्शन है इसे आप मेथड से कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन लेवल बने हुए हैं, ग्रामर, ग्रेजुएशन और मेथड्स वाला जो पार्ट बना हुआ है, हम बुक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे बुक्स को, और हर बुक्स के लिए उसका पर्टिकुलर जो फील्ड है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो बुक काम में लेना है उसमें उसको शामिल करते जाएंगे, ठीक है। अगर इस पार्ट की बात करूँ जो हमारा सेकेंडरी वाला पार्ट है, ये आपके नंबर वाइज अगर देखा जाए कि नंबर वाइज कितने मार्क्स का होगा सर, तो ये 180 मार्क्स का है। इसका मतलब क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो 90 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला पार्ट है सर, ये आपके 80 मार्क्स का है और यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेथड्स वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो ये आपके 40 मार्क्स का है और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, इट मीन 60 और 90 यहाँ से मिलेंगे। इसका मतलब टोटल प्रश्न आपके कितने आने वाले हैं, टोटल प्रश्न आने वाले हैं आपके 150, ठीक है। टोटल 150 प्रश्न है जिनके लिए आपको 300 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। एक एक करके मैं बात करता हूँ, चूंकि सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो ग्रामेटिकल सेक्शन है तो मैं सबसे पहले इसी की चर्चा करता हूँ। अब आपको मैं एक एक बुक के बारे में बता रहा हूँ, आप सबसे पहले अगर सबसे पहले कोई बुक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बुक लेके आइए रेनन मार्टिन, ठीक है। सबसे पहले अगर ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लेके आइए रेनन मार्टिन, क्योंकि आपको इसकी बुक वन और बुक टू में बहुत सारा जो कंटेंट आपके ग्रामेटिकल सेक्शन का है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बड़े सिस्टमेटिक मैनर में मिल जाएगा, विथ एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूँ तो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं फर्स्ट बुक के लिए रेनन मार्टिन का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रेनन मार्टिन आप बड़े अच्छे से कर चुके हैं, आपको लगता है कि सर रेनन मार्टिन जो है उसको बड़े अच्छे से मैंने कर लिया है, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है चीज़ें, आप थोड़ा सा इससे एडवांस जा सकते हैं। एडवांस जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एडवांस जाते हैं तो आप ले सकते हैं वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बुक जो रेनन मार्टिन से ही थोड़ा सा एडवांस आपको मिलेगा। कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें अलग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हटके लिखी हुई है और मॉडर्न अप्रोच के साथ लिखी हुई है। क्योंकि अगर रेनन मार्टिन की बात करें तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल इंग्लिश की तो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश में जो वर्डिंग यूज हुई है वो मॉडर्न इंग्लिश की वर्डिंग यूज हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं उससे, तो पढ़ने के लिए तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का जो फोर्थ एडिशन है, ठीक है। तो एजे थॉमसन और मार्टिन की ये बुक है, तो प्रैक्टिकल इंग्लिश आप इसके नेक्स्ट लेवल के लिए ले सकते हैं। और अगर आप ये बुक्स ले रहे हैं
तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके साथ इसकी जो दो प्रैक्टिस बुक है वो आप जरूर ले लीजिए। अगर आपने ये बुक ले लिया है तो इसके साथ इसकी जो प्रैक्टिस बुक आती है, प्रैक्टिस वन और प्रैक्टिस टू, ठीक है, दोनों की दोनों जो बुक है वो भी आप साथ में लीजिए, आपको और बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ऐसी कभी कभी माइंड में आता है कि सर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो आपको इन दोनों बुक्स में ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ जोड़ना चाहते तो प्रैक्टिकल इंग्लिश के ही दो सेक्शन है, ठीक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू, ये दोनों बुक आप इसके साथ ले सकते हैं, एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू, ये दोनों बुक आप इसके साथ में ले सकते हैं। अब इसके अलावा सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा सर ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए और कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए एक छोटी सी बुक है जो यूनिवर्सिटी में चलती है, रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर। आप इसमें जैसे कि डिटरमिनर है, जैसे कि प्रीपोजिशन है, कुछ ऐसे जो चैप्टर्स है वो अगर आप इससे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। और वो भी अच्छी बात यह है कि सारी मॉडर्न अप्रोच के साथ में है, तो आपको ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हटके पढ़ने को मिलेगा, आपको कुछ नई चीजें, एडवांस चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि आप ले सकते हैं इसके अलावा रेमेडियल इंग्लिश। अब चूंकि इनमें अगर बात करते हैं अपन किसी भी चैप्टर की, तो हर बुक ने हर चैप्टर को अलग तरीके से मेंशन कर रखा है, बट एक बार अगर आप बेसिक को समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी बुक में उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो अगर आप अलग बुक करेंगे तो डेटा आपको अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, तो जो आपके वोकेबलरी वाला सेक्शन है, वोकेबलरी वाला सेक्शन है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है एस चंद की, आर एस अग्रवाल की। अगर आप चाहते हैं कि वोकेबलरी वाला सेक्शन कहां से करें, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे कि एडियोमेटिक फ्रेजेस है, जैसे कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इनकी जो एक्सरसाइज है वो आप इसके साथ कर सकते हैं। पैसेज भी आपको इसमें ढेर सारे मिलेंगे, तो पैसेज वाला पार्ट जो है और जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो आप इससे कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बुक और ले लेता हूं जिसमें मैं कह रहा हूं आर एस अग्रवाल, ठीक है, ये आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा और मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो अगर आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा शॉर्ट में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मर्फी की जो बुक है उसको ले सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे कि जो ऑक्सिलरी वाला पार्ट है उनमें, या फिर टेंस वाले कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो वहां पर आपको ये बुक थोड़ा सा अच्छा फील करवाएगी, ठीक है। तो आप मर्फी वाली जो इंग्लिश ग्रामर इन यूज है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इसको आप ले सकते हैं किसके लिए, जो आप ये चाहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा क्या है शॉर्ट में भी चाहिए और लिमिटेड चाहिए, तो उसके लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है, इसके अलावा अगर आप हिंदी में चीजें पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लूसेंट ले सकते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं तो लूसेंट गाइड की तरह से है। क्योंकि मैंने इतनी जो भी बुक्स बताए हैं ये सारे, इसमें आप आर एस अग्रवाल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बुक्स हैं वो सारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज प्रेस के बुक्स है। इसका मतलब उनको उनके ऊपर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको रिट लगाना हो तो वहां पर ये बुक्स आपके प्रॉपरली काम आएंगे। इन बुक के बिहा पर आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। हालांकि इनमें कुछ कुछ मिस्टेक है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि इनमें कोई मिस्टेक है, आप बिल्कुल आराम से इन्हें पढ़ना शुरू करिए। जो मिस्टेक है वो ऐसी सिली मिस्टेक्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पर इसमें मिस्टेक हुई है। जैसे कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिलेगी, कहीं पर जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे कंपोनेंट से प्रिंट हो गया है, तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको मिलेगी जो अवॉइडेबल है। अगर बुक्स के बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखें तो वो अवॉइडेबल है, ठीक है। अब हम बाकी के जो सेक्शंस है हमारी उनकी बात करते हैं। सर ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट और ये जो मेथड्स वाला पार्ट है इसका क्या करें? देखो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। देखो सेंटेंस पैटर्न वाली कहानी है, उसमें पहली बात तो आपने यहाँ पर रेनन मार्टिन लिखा है, इसमें आपको सेंटेंस पैटर्न भी मिल जाएगा। जो सेंटेंस पैटर्न है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल सेंटेंस पैटर्न मिलेगा, और अगर आपको मॉडर्न वाला सेंटेंस पैटर्न पढ़ना है तो फिर आपको बुक चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप पैटर्न्स की बात करें तो डायरेक्टली मैं पैटर्न के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जिसमें मुझे लगता है सारे के सारे टाइप के
सारे के सारे डिराइव्ड तो कितने भी हो सकते हैं, बट बेसिक सेंटेंस पैटर्न मोस्ट ऑफ दिस में मिल जाएंगे। वर्ब्स के जितने पैटर्न है आपको इस बुक में मिल जाएंगे। गाइड टू पैटर्न एंड यूजेस इस बुक का नाम है, गाइड टू पैटर्न एंड यूजेस, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं एस होर्नी की, ठीक है, ये बुक है, राइटर है एस होर्नी, आप इस बुक को ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ये बुक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट की बात करें। अब पैटर्न के बाद दूसरी जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट दो बुक्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कह सकता हूँ कि अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात आए तो मॉडर्न इंग्लिश में ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तो जो एसपीओ सीए एमएचएम ये वाले जो चैप्टर्स है, इनके लिए अगर मैं बुक की बात करूं, चूंकि मेरे पास इसका एक्चुअल बुक है नहीं, मैंने इसको प्रिंट कर रखा है, ठीक है, तो मेरे पास जो ये बुक है वो है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ठीक है। अगर आप एसपीओ सीए एमएचएम की बात करें तो इससे अच्छा किस कंटेंट किसी बुक में मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास ये जरूर होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ठीक है। जॉफ्री ली सर ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और उनका एक लेटेस्ट जो बुक है वो है ग्लोसरी ऑफ इंग्लिश वाला, वो भी बहुत प्यारा बुक है, हालांकि वो इसी बुक से बनाया गया है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको लगे कि ये तो इंग्लिश में ग्रामर का बिल्कुल न्यू टर्म है, इसका मतलब ये है कि वो उस ग्लोसरी से लिया हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूँ इंग्लिश ग्रामर फॉर टूडे से लिया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो एसपीओसीए वाले सेक्शन है या एमएचएम वाले जो सेक्शन है उनके लिए पर्टिकुलरली अगर कोई बुक सजेस्ट की जाए तो वो है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। हालांकि इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेगी, बट चूंकि हम थोड़ा सा पर्टिकुलर करके चीजों को बात कर रहे हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ठीक है, इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने चूंकि पहले ही बोल दिया कि मेरी फेवरेट बुक है, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि कितना प्यारा और अच्छा कंटेंट इस बुक में आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसी लेवल पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेक्शन भी है, थोड़ा सा एनालिसिस भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो अभी एग्जैक्टली अगर इस बुक की बात करूं मैं, ठीक है, तो एलन की ये बुक है जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस चाह रहे हैं और किसी भी चैप्टर की अगर बात करें उसमें आप प्रैक्टिस लेवल पर, आप ग्रामेटिकली प्रैक्टिस लेवल पर अगर कोई बुक ले रहे हैं तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर एलन की ये बुक है, आप इसको ले सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन जाके पीडीएफ इसकी प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर एलन की जो बुक है वो ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए है। अगर आपके पास ये सारी है तो मुझे नहीं लगता उसको लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्टैंडर्ड फॉर एलन को भी ले सकते हैं। आपको चीजें और ज्यादा एडवांस पढ़नी है, चीजों को और क्लियरिटी के साथ देखना है, दैट मीन्स बहुत अच्छी रिसर्च आप सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे जाकर, इसी में नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, तो आता है लिटरेरी वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि लिटरेरी एक ऐसा, लिटरेचर एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे बात सकता हूं कि ये लिमिटलेस जो वर्ड है वो है लिटरेचर या लिटरेरी वाला पार्ट। इसलिए मैं इसके लिए बहुत सारी किताबें सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको मैं दो जगह से मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें। एक तो आप ले सकते हैं अगर आपके पास जस्ट लाइक यूजीसी नेट का जो इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट है, इसमें आपको ये पूरा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ वो चैप्टर्स जो आपके जैसे जो इंडियन राइटर्स वाला सेक्शन है, मूवमेंट वाला जो सेक्शन है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत बेटर तरीके से जो दोनों चैप्टर्स है, ठीक है, मूवमेंट और जो इंडियन राइटर्स वाला सेक्शन है, आपको बड़े प्रॉपरली मिल जाएगा। और लिटरेरी फॉर्म्स वाला यूं तो आप रेनन मार्टिन से भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप इससे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ये यूजीसी नेट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, कि अगर लिटरेरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप यूजीसी नेट की जो बुक्स है उससे इसको, ये जो दो सेक्शन है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, तो इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है वो जो हमारे सुभाष याग, डॉक्टर सुभाष याग यहीं के राइटर है, ठीक है, और इनकी बुक भी आप ले सकते हैं, जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के लिए पर्टिकुलर एक बुक बना हुआ है, जो पूरा थियोरिटिकल बुक है,
इसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला पूरा का पूरा थ्योरिटिकल मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं दूसरा सजेशन इसके लिए दूंगा, सुभाष सिहाग सर की जो बुक है ये आप ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ कंटेंट है जिसमें मिस्टेक है, लेकिन वो थोड़ा सा अवॉइडेबल है। इनकी जो एमसीक्यू वाली है उसमें काफी सारी मिस्टेक्स है, लेकिन अभी इस बुक की अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत कम मिस्टेक्स है, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं और वो मिस्टेक आपको समझ में भी आ जाएगी जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, साथ में मैंने यूजीसी नेट वाली बुक आपको बताई है उसको आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों में एक सेक्शन जो कॉमन बच गया वो था फनेटिक। सर फनेटिक के लिए क्या करें, फनेटिक वाले सेक्शन को कैसे करें? देखो, एक तो ये है कि फनेटिक के लिए आप पर्टिकुलर बुक ले, और एक ये है कि फनेटिक के लिए आप प्रैक्टिस करें। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज प्रेस की बुक लेके आइए आप, ठीक है। जो पीटर रोच है उनकी बुक लीजिए, आपको इसके साथ जो सीडी डीवीडी है वो भी मिलेगी, जिससे आप वर्बली चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने, इवन इतने ज्यादा डिटेल में लिखा है कि एक जो साउंड है उसके क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने लिखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर फनेटिक वाले सेक्शन के लिए, तो मेरी तरफ से ये होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है पूरा, और इस सीडी इसके साथ आएगी। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है तो आप उसमें उसको प्रैक्टिकली देखिए, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो है, पीटर रोज की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, अगर आप बात करते हैं फनेटिक चैप्टर के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन चूंकि मैं आपको, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी और बेटर बुक लगती है ये, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। अब जब फनेटिक की बात आई तो नेक्स्ट बिंदु हमारे पास आता है, वो आता है कि सर मेथड वाला जो सेक्शन है वो कहां से करें। मेथड वाला सेक्शन, पहली रेफरेंस तो फिर से मैं यहीं पर रखूंगा। मेथड वाले के लिए मैं फिर से यही बोलूंगा, आप सुभाष सिहाग सर की जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाली बुक है इसी को लीजिए, इसमें आपके मेथड वाला जो सेक्शन है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड वाला पार्ट जो है ये भी इसमें कवर होगा, टीचिंग मेथड पूरा इसमें कवर है, तो यहीं से आप कर सकते हैं सुभाष सिहाग सर की जो बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और खासकर जब इंडिया की बात आती है, पर्टिकुलरली आप ये चाहते हैं कि सर मैं इंडिया वाले जो सिस्टम है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया की अगर बात करें, तो उसके लिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आभा रानी बिस्ट की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। बाकी जब टीचिंग मेथड्स की बात आती है, मैं बुक पर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होता हूँ, उसके पीछे दो रीजंस है, लिमिटलेस चीजें हैं ये, ठीक है। एक बार आप जो इसकी मूल प्रवृत्ति है, कोई भी टीचिंग मेथड है उसकी मूल प्रवृत्ति को अगर आप समझ जाते हैं, तो उसके बाद उसकी थीरी कितनी भी बनाई जा सकती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो मूल प्रवृत्ति है उसको समझे, और उसके लिए एक बुक पर्याप्त होगी, और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं। तो टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, आभा रानी बिस्ट, ये भी आप ले सकते हैं अगर आप मेथड के लिए जा रहे हैं। और पहले से मैंने आपको मेथड के लिए बुक बता दी है कि मेथड के लिए आप डॉक्टर सुभाष सिहाग सर की जो बुक है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको बुक्स बताए हैं, जिनमें मैंने प्रैक्टिस बुक साथ में बताए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बच गए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चैप्टर आप बात कर रहे हैं, जैसे कि लिटरेरी वाली की बात कर रहे हैं, या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, या मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो इन सभी के क्वेश्चंस के लिए हालांकि देखो मैं एक बात पहले से बोल रहा हूं कि इस बुक में काफी सारी मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है सेकेंड ग्रेड के, इसके अलावा मुझे कोई बेटर ऑप्शन यहाँ दिखता नहीं है राजस्थान में, दैट्स वाई मैं इसके लिए बता रहा हूँ। सर ने बहुत अच्छा कोशिश किया है इसके लिए, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ये, बट इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आपको टीचर के साथ अटैच रहना पड़ेगा, टीचर आपको ये बार बार बताते रहे कि भाई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर आप टीचर से डिस्कस करें जहां पर भी आपको गलत लगता है, एक बार आप टीचर से पूछे कि सर यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लीजिए। तो ये बुक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, पूरा सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो इस बुक में कवर है, चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के PYQ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये बुक आप ले सकते हैं PYQ बेसिस पे। तो ये मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, एग्जैक्टली वो मैंने बताया है कि जो मैं बच्चों के साथ डिलीवर करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि मेरे पास बहुत सारी, इसके अलावा मेरे पास कम से कम 42 अलग अलग राइटर की इंग्लिश की बुक रखी हुई है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, मेरा मोटिव ये है कि हम क्या पढ़ाते हैं और बच्चे जो है वो क्या पढ़ते हैं, वो चीज मैं आपके साथ डिलीवर करूं,
अगर आप इतने सारे बुक्स के साथ खुद से पढ़ सकते हैं तो मैं यही कहूंगा, जब आप खुद से करते हैं तो उसके जितना बेस्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं इतनी चीजें नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे एक प्रॉपर टीचर की गाइड की जरूरत है, तो आप मार्केट में और भी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे इंग्लिश के टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी भी क्लास देखिए, आप मेरी भी क्लास देखिए, आपको जहां पर सबसे ज्यादा समझ में आए। ऐसा नहीं कि सर आपने ये वीडियो बनाया तो हम आपके कोर्स को बाय करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो बनाने का पर्पस कोर्स बाय करवाना नहीं है, वीडियो बनाने का पर्पस है जो बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़नी है, उसका आंसर देना। अब इसके बाद में जो आपको सबसे बेस्ट डिलीवर करे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा अच्छा फील हो, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आई थॉट आपको मेरी हर बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे साथ ये सारे एनालिसिस आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर एक ही प्लेस पे मुझे इन सब का निचोड़ मिल जाए, तो आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं सक्सेस आइकन एप्लीकेशन, जहां पर एवरीडे मेरी लाइव क्लास होती है फिक्स 9 बजे, और आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं और अपने हर एक प्रश्न को मेरे साथ डायरेक्टली लाइव के जो क्लास है, लाइव क्लास में आप मेरे से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इनमें से जो बुक आपको अच्छी लगे वो बाय करिए और पूरा फोकस होकर पढ़िए। और अगर आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि इन सभी बुक्स के जो अमेजन लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं, ताकि आप वहां से उस बुक को ले पाए। थैंक्स अ लॉट।